समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर कई चुटुली बातें कही। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी उलझन वाली बात है, अगर वे चाय वाले हैं तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के अब चाय बना लोगे क्या? ये कोई बात हुई आपकी? उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई होगी, बिना अच्छे दूध के कभी अच्छी चाय नहीं बन सकती। अखिलेश यादव की इन बातों पर मंच के नीचे बैठे सपा समर्थकों ने खूब शोर मचाया। अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा विधायकों को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने डिनर की बात की लेकिन डेजर्ट की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि जलेबी दे रहे हैं कि रसगुल्ले दे रहे हैं या फिर गुलाब जामुन दे रहे हैं। लगता है कि बीजेपी के पास डेजर्ट अच्छे हैं। गुलाब जामुन में आजकल कुछ भर कर नहीं दिया जाता, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का जो गुलाब जामुन था उसमें अंदर कुछ छिपा रहा हो, इसके कारण कुछ हमारे साथ ही छोड़कर चले गए। सपा अध्यक्ष की इस चुटकी पर भी सभागार में मौजूद लोग हंसते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा में विधायक बिक गए, बीजेपी ने खरीद लिए। आज बीजेपी ने खरीदा, कल हम फिर खरीद लेंगे। जो बिकने वाला है वो बिकेगा। बहकाने वालों की बात मानी गई, समझाने वालों को नहीं। बीजेपी केवल नफरत फैलाती है, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा कराती है, वह देश से संविधान खत्म करने का प्रयास कर रही है।